साथियों, हम बांदा बस्ती आ चुके हैं और ये बांदा बस्ती विलेज है। सलाम अलैकुम, थोड़ा जोर से सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मुबारक भैया, आपको हम फोन किए थे। यहाँ मुर्गी का बच्चा पकड़ लिया था, सांप यहाँ निकला। कहाँ पर सांप देखिए, दिखाई पड़ रहा है हल्का हल्का। देखिए, मुर्गी का बच्चा पकड़ लिया था। इतना छोटा सांप और उतना बड़ा मुर्गी का बच्चा पकड़ लिया। थोड़ा बढ़िया से कैमरा को और करीब ले जाइए, और करीब दिखलाइए तो कौन सांप है। ये सेंट बोआ है। ये अपना शरीर का जो मोटाई है ना, उससे 3 से 4 गुना बड़ा आहार करता है। मान लीजिए अभी सांप इतना मोटा है तो इसका 3 गुना मतलब बड़ा साइज का मुर्गी का बच्चा खा जाएगा। और इसे पकड़ना बहुत टफ होगा, इसलिए गैता लाए हैं आप लोग? गैता लेकर के आइए। हम पहले कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह नॉर्मल अगर पकड़ा जाए तो ठीक है। देखते हैं अगर वो घुस घुस गया। अब क्या कीजिएगा? देखिए, सांप तो अंदर चला गया, अब हमारे पास एक ही जुगाड़ बचा हुआ है, गैता। अब हम और हमारा छोटा भाई मिल करके उस साइड से देखते हैं, कोड़ काड़ करके। तो वीडियो का आखिरी तक बने रहे, देखा जाए कौन सांप अब इसके अंदर से। हमें तो लगा कि ये शायद हिंदी में इसे बाड़ू सांप और बंगला में थूथर सांप और इंग्लिश में इसका नाम है सेंट बोआ। और ये सांप जो है ये बच्चों को जन्म देती है, ये अंडा नहीं देती है सांप। साथियों, 15-20 मिनट ये जो छोटा भाई है पूरा कोड़ काड़ करके देखा तो हमको बोला, मुबारक भैया यहाँ हिल रहा है। एक बार फिर से हटाइए तो टंगट से। हाँ, यहीं कहीं पर सांप अभी हिलता हुआ नजर आया। देखिए, यही है सेंट बोआ, देख रहे ना, यही सेंट बोआ है। जानते हैं, ये सांप बच्चों को जन्म देती है, ये अंडा नहीं देती है। ये सांप क्या करती है, डायरेक्ट बर्थ। और आप इसका मुंह को देख रहे हैं ना, मुंह देखिए कितना छोटा सा है, लेकिन समझ लीजिए इसका मुंह 180 डिग्री तक खुल जाएगा और अपना शरीर का मोटाई से 5 गुना 3 गुना बड़ा आहार कर लेगा। सोचिए, इसका जो शरीर का आकार है, इसका जो मोटाई है, इससे 3 गुना बड़ा आहार कर लेता है। और ये बिना जहर वाला सांप, जिसको हम लोग सेंट बोआ के नाम से जानते हैं। तो इससे पहले भी इनका बहुत सारा वीडियो हमारे साथ है, तो ये भी डरते नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गरम गरम बढ़ा हुआ है इसीलिए। हाँ, पकड़िए, ऐसे पकड़िए, पकड़िए, ऐसे पकड़िए, पकड़िए पकड़िए ना, डरिए मत, डरिए मत। वो हाथ उसको पहले फेंकिए, वो हाथ से इसको पकड़िए, पकड़िए। ये भी गांव से हैं और इनका ये रहता है कि मुबारक, उधर 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 कैमरा तरफ, इनका भी शौक रहता है कि मुबारक भैया हम भी सीखें। तो 2-4 ग्रामवासी अगर सीख जाए तो इस काम को और बढ़ावा मिलेगा। लोग मार रहे हैं और हम लोग बचाने का अभियान से जुड़े हुए हैं। तो ये धनबाद स्टेट के अंतर्गत, झारखंड स्टेट के अंतर्गत धनबाद जिला और निरसा विधानसभा के अंतर्गत ये बांदा नीचे कुल ही ठीक मस्जिद के बगल में ये रेस्क्यू हम लोग कर रहे हैं। और इसे आज ही प्रयास है कि कोई बढ़िया प्लेस देख करके, कोई बड़ा जंगल देख कर वहाँ छोड़ दें। तो मुर्गी पकड़ लिया था क्या बच्चा? पूरा पकड़ लिया था। ये ध्यान से देखिए, ये ऐसा बैठा रहेगा ना, लगेगा कि ये सांप मर गया है, लेकिन कोई चूहा कोई मुर्गी अगर करीब में आया तो जंप करके पकड़ लेता है और बड़ा आसानी से ये खा लेता है। कुछ बोलना है? कुछ भी नहीं। कैसा लग रहा है छू करके? बहुत अच्छा लग रहा तब अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आपको हम सिखाना चाहते हैं। आप सीखिएगा तो क्या होगा, पर्यावरण मित्र बन जाइएगा। कोई मारेगा तो आप विरोध कीजिएगा तो ये बच जाएगा। और अभी तक साल में लगभग ये जो है, ये हमको लगभग 5-6 ठो 7 गो कोई भी गांव में सांप निकल गया इसी को बुलाता है, तो ये देखता है कि चलो मुबारक भैया को बुला ले। तो इनका सोच सबसे अलग है कि चलो हम भी। और देख रहे ना, ये ध्यान से देखिए, ये जो धारी धारी है ना, यही सांप का पैर है। ये जब ज़मीन में टच कर जाता है तो ये रेंगना शुरू कर देता है, देख रहे ना। ऐसे देखने में सुस्त है लेकिन अगर दबाव पड़ जाए तो तुरंत ये काट भी लेता है। लेकिन ये बिना जहर वाला सांप है, थोड़ा सा भी इसमें जहर नहीं होता है। साथियों, अगर हमारे YouTube चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लोगों तक ये ज़्यादा तक वीडियो को फैलाएं ताकि जीव जंतु को बचाया जा सके।
तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत, और हम गर्व से कहेंगे वंदे मातरम।